अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ मोहब्बत के एक पावरफुल तिलिस्म के बारे में। ये दोस्तों तिलिस्मी तावीज़ है जो मोहब्बत के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरजोर असर है और बहुत जल्द असर करने वाली है। अगर आपने इस तिलिस्मी तावीज़ को बनाया और बनाने के बाद इसे जलाया तो जो आपका महबूब होगा वो तुरंत आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार हो जाएगा। यानी अगर आपसे नाराज़ था, यानी उसकी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी मोहब्बत में कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपसे बात करने के लिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों इस तिलिस्म के ज़रिए से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तिलिस्म से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए कि रोज़ाना हम इसी तरह की वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस तिलिस्म के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत जल्द असर करने वाला ये तिलिस्म है। दोस्तों, आपने इस तिलिस्म को बनाना है तो किसी भी दिन किसी भी टाइम आप इसको बना सकते हैं। और दोस्तों, ये भी साथ ही साथ याद रखें कि नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। और आप ख़ुद इस्तेमाल करने के बाद इस बात को महसूस करेंगे कि कितनी जल्दी इस तिलिस्म का असर हुआ है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपने ऐसा सफ़ेद कागज़ लेना है, ठीक है। फिर आपने ये करना है कि यहाँ सफ़ेद कागज़ पर आपने एक ऐसी लाइन खींच लेनी है, ठीक। यहाँ आप लाइन खींच ले इस तरीके से, ये एक सीधी लाइन आपने ये खींच लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखना है यहाँ क्या, सात, ठीक, एक सात, इस तरीके से आपने लिखना है, आठ आठ, ठीक है। दोस्तों, ये तिलिस्मी तावीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक एक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ एक एक, आठ एक एक, फिर एक। और दोस्तों, अगर आपको इसकी इजाज़त चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त मिल जाएगी। और अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नौ, आठ, फिर एक एक, पाँच, एक एक, तोय, ये तोय है, ठीक है, बिल्कुल साफ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक। फिर उसके बाद पाँच, एक, यहाँ तो, ठीक, आपने इस तरीके से ये लिख लिया। फिर नीचे आपने एक और लाइन ऐसे खींचना है, ठीक, ये सीधी लाइन इस तरीके से आपने खींचना है और यहाँ लिखना है अलवाहा, ठीक, अलिफ लाम वाव हे अलिफ अलवाहा, ठीक। फिर उसके बाद असात, ठीक, असात। फिर यहाँ एक और असात, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ नीचे आइए, अलहुब फला इब्ने फला अलाहुब फला इब्ने फला, ठीक है। अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए बना रहा हो तो
तो सबसे पहले लड़की का यहाँ नाम लिखिएगा, ठीक, इस फलां की जगह लड़की का नाम, ठीक, फिर यहाँ बिन की जगह बिनते, ठीक, या डॉटर ऑफ, जो भी आप लिख लें, चाहे वो हिंदी में या अंग्रेज़ी में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उर्दू वाले के लिए यहाँ उसका नाम, फिर बिनते, फिर यहाँ उसकी माँ का नाम लिख देगा इस फलां की जगह, ठीक, लड़का फिर उसके बाद यहाँ अपना नाम लिख देगा, फिर बिन है, फिर यहाँ अपने बाप का नाम लिख देगा। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए बना रही हो तो सबसे पहले लड़के का नाम, फिर बिन, फिर उसके बाप का नाम, लड़की यहाँ अपना नाम लिखेगी, बिन की जगह बिनते, फिर उसके बाद यहाँ अपनी माँ का नाम, ठीक है दोस्तों। ये तिलिस्म जो है वो बन करके तैयार हो गया, ठीक है, अब बिल्कुल देख लें कि साफ दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी आग रोशन कर लेनी है, ठीक है, कोई कोयला वगैरह आपने ले लेना है और उसको आपने जला लेना है, ठीक। जलाने के बाद आपने रोज़ यानी 3 दिन तक, यानी 3 तावीज़ आपको ऐसी बनानी है और रोज़ एक बना लें, ठीक है, और 3 दिन तक इसी को आपने जो है इस तरीके से मोड़ करके उसी के अंदर, यानी जो कोयला वगैरह आपने आग जलाई है उसी में इसको जला देना है। दोस्तों आप मेरा यकीन करें कि जैसे ही आप ये जलाएंगे आप पहले ही दिन इसका असर देखना शुरू कर देंगे कि कितनी जल्दी अगर आपका महबूब नाराज़ था तो तुरंत फ़ोन आएगा, अगर पहले दिन नहीं आएगा तो दूसरे दिन नहीं आया तो तीसरे दिन बिल्कुल गारंटी के साथ उसका फ़ोन आएगा, उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, यानी फिर वो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर लड़की होगी तो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये इतना पावरफुल तावीज़ है, लेकिन हमेशा जायज़ मकसद के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है दोस्तों। अगर आपका काम हो जाया करे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों आज की थोड़ी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।